हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द स्टडी हब इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियंस इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस वीडियो इज अ कॉन्टीन्यूशन ऑफ सेकंड वीडियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और इस वीडियो में हम ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को खत्म कर देंगे ठीक है और फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 फोर्टी सेवन क्रूशियल वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है किस वजह से क्योंकि इस एक्ट की वजह से ये तय कर लिया गया था कि जो पावर ऑफ जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो कर दी जाएगी क्राउन टू इंडिया ठीक है कब कर दी जाएगी इसकी डेट जो थी वो मैंने आपको कल बता दी थी ठीक है फिर लॉर्ड लुई माउंट पार्टन ने जो इसकी डेट थी वो एडवांस की थी 15 अगस्त 1947। ये जो एक्ट था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पास होता है जुलाई 5। और इसको रॉयल एसेंट कब मिलता है जुलाई एटीन को ठीक है और इस एक्ट से ये डिसाइड किया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग नए देश बनेंगे इनकी जो डिवीज़न है इंडिया और पाकिस्तान की स्प्लिट है वो इस एक्ट से डिसाइड कर ली जाती है फाइनल कर दी जाती है किसके द्वारा वॉइस राय ऑफ इंडिया के द्वारा और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लिमेंट एटली के द्वारा उस टाइम जब हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को तो उस टाइम ब्रिटिशर्स के जो सॉरी जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे वो थे क्लीमेंट एटली ठीक है क्लीमेंट एटली और वॉइस राय ऑफ इंडिया लॉर्ड लुइस माउंट बैटन के द्वारा डिसाइड कर लिया जाता है कि इंडिया को आज़ादी दे दी जाएगी ये जो एक्ट है ये पास कर दिया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जुलाई फाइव को और रॉयल असेंट मिल जाता है इसको जुलाई एटीन को ठीक है इसकी वजह से ये डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या डिसाइड कर लिया जाता है इन दोनों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलेगी ये जो डिसीजन लिया गया था ये मुस्लिम लीग कांग्रेस और सिख कम्युनिटी से बात करने के बाद ही लिया गया था नो लेट्स सम फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसका बैकग्राउंड मैंने कल का काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है आप वो देख सकते हैं uh, इस वीडियो में हम ज़्यादातर फैक्ट्स ही देखेंगे ठीक है फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी आर तो इसमें बताया गया था कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी वो इंडिपेंडेंट होगी और सोवरेन होगी क्या होगी इंडिपेंडेंट और सोवरेन होगी और जो पार्टीशन ऑफ इंडिया होगा इंडिया और पाकिस्तान में उन दोनों का न्यू डोमिनियन होगा इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम वो अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं ठीक है कोई भी जो लॉ है उसको रिपील कर सकते हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं नया लॉ बना सकते हैं इवन 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 कि वो इंडिपेंडेंस एक्ट इट्सल्फ इसको भी ख़त्म कर सकते हैं इसको भी रिपील कर सकते हैं अगर वो चाहें तो ठीक है ये सभी उनको फ्रीडम थी ये सब करने का कोई भी लॉ जो है वो है इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी लॉ को रिपील कर सकते हैं कोई भी चीज उठा के वो फिट कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको चाहिए जो उनके जो उनके मतलब जो उनकी कंट्री के हिसाब से फिट बैठता है ठीक है द कंट्रीज असेंबलीज वर इम्पावर टू लेजिस्लेट फॉर द रिस्पेक्टिव द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स जो कंपनीज की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो तब तक काम करेगी जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ का वर्क में नहीं आता न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्क में नहीं आता इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्क में कब आया था 1950 को 1950 को ठीक है 26 जनवरी 1950 को इंडिया का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क में आया था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये कब तक वर्क करेगी जब तक हमारा न्यू कॉन्स्टिटेंट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये तैयार नहीं कर लेते अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लिए ठीक है ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको चॉइस दी गई थी कि वो या तो पाकिस्तान जॉइन करें या तो इंडिया ज्वाइन करें और या तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या इंडिया ज्वाइन करें पाकिस्तान ज्वाइन करें या तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं ठीक है गवर्नर जनरल्स कैसे एक्ट करते थे ऑन द एडवाइस ऑन द एड ऑफ द काउंसिल पहले जो गवर्नर जनरल थे उनकी ही चलती थी लेकिन इस एक्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो गवर्नर जनरल थे वो किसकी एड और एडवाइस पे वर्क करेंगे काउंसिल की एड ऑफ काउंसिल की एड पे वो वर्क करेंगे जैसा काउंसिल बोलेगा वैसे ही वो वर्क करेंगे बस अपनी एडवाइस देंगे ठीक है कुछ और फंक्शंस भी थे सीए के या जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको बताए उसके साथ साथ कुछ कुछ और फंक्शन भी थे जैसे रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ क्या ऑफिशियली जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी वो यहाँ पे उसका डिसीजन लिया गया अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन ट्वेंटी टू टू जुलाई नाइनटीन को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया अडॉप्ट नेशनल एंथम ऑन जुलाई ट्वेंटी फोर नाइनटीन फिफ्टी नेशनल सॉन्ग ऑन जुलाई ट्वेंटी फोर ये जो नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम थे ये डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपको एग्जाम्स में छोटे मोटे कई बार पूछ ली जाती है ठीक है राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है उसको नियुक्त किया, किया जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब जुलाई 24 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को क्या नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाता है ठीक है सो ओवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज इलेवन सेशन ठीक है इलेवन सेशन हुए थे दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन के लिए कितने के लिए दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन के लिए साठ कंट्रीज तक का हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करके उसमें से जो चीज़ें हमें फिट बैठती थी इंडिया के हिसाब से उन चीज़ों को उठाया गया था ठीक है सिक्सटी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको रीड करके उसको सोच समझ कर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भी चीज़ें हमें फिट बैठती थी जो लॉज हमें फिट बैठते थे वो लॉज हमने उठाए थे और अपने कॉन्स्टिट्यूंट में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे इसको टोटल खर्चा, खर्चा, तो तो खर्चा, खर्चा आया था सिक्सटी फोर लैक्स जो खर्चा आया था वो 64 लाख रुपया खर्चा आया था ट्वेंटी को सी का फाइनल सेशन होता है उसके बाद जो है ये एंड होता है उसका फाइनल सेशन सी का फाइनल सेशन कब एंड होता है जब हमारी फर्स्ट जनरल इलेक्शन होती हैं उसके बाद जो है एंड होता है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो दो काम करती थी क्या एक सीए का काम करती थी और एक लेजिस्लेटिव असेंबली का, का काम करती थी ठीक है जब उनका जो सीए का प्रेसिडेंट था वो कौन था जो सीए के प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद ठीक है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली जब वर्क करती थी तो तब स्पीकर कौन थे जीवी मावलांकर ठीक है सी तो ए के दो काम थे एक तो ऑर्डनरी लॉस लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों चाहिए थी ऑर्डिनरी लॉज भी चाहिए थे ना इंडिया को गवर्न करने के लिए उस टाइम उस टाइम भी तो चल रहा था टाइम उस टाइम भी तो आ, आ, लोग थे उनको भी गवर्न करना था लॉज बनाने थे बनाने थे तो जब वो लॉज का, का काम करती थी तो तब वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह वर्क करती थी और उस टाइम कौन स्पीकर का, का, का काम करता था जी वी ठीक है तो जब वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम का का करती थी तो तब डेंट का काम कौन करते थे राजेंद्र प्रसाद तैयार करना था उसकी कुछ कमेटीज थी जो स्पेसिफिक वर्क पे एक्सपेक्ट पे वर्क करती थी ठीक है देर वर एट मेजर कमेटीज एंड बाकी जो थी कुछ माइनर कमेटीज थी एट मेजर कमेटीज और इनके चेयरमैन आपको अच्छे से याद होने चाहिए जैसे यूनियन कमेटी ठीक है यूनियन से आप याद भी रख सकते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो यूनियन में प्राइम मिनिस्टर होता है तो यूनियन वाली नेहरू को ठीक है नीचे भी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नेहरू को ठीक है प्रोविंशियल ठीक है सरदार पटेल जी ने क्या किया था सारी स्टेट्स को जोड़ने का मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने सारी स्टेट्स को जोड़ा था एक साथ में ठीक है इंटीग्रेशन की थी तो आप प्रोविंस से सरदार पटेल को जोड़ सकते हो ठीक है ये या आपको याद रहेगा ड्राफ्टिंग कमेटी तो वेरी फेमस ये तो बी आर अम्बेडकर ये तो आप भूल नहीं सकते एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स उसके चेयरमैन कौन थे सरदार पटेल थे इसके नी, इसके अंदर पांच सब कमेटीज़ और थी ठीक है पांच सब कमेटीज और थी इसके अंदर उसकी कोई इतनी जरूरत भी नहीं ना पूछी जाती है लेकिन ये मेन कमेटीज़ हैं ये या, यहाँ याद रखिए ठीक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी इसके हेड कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है कमेटी स्टेट्स कमेटी स्टेट्स कमेटी नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स ठीक है कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स इसके हेड कौन थे जवाहरलाल नेहरू स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेयरिंग क्या होता है गाड़ी का स्टेयरिंग होता है ना तो वैसे ही प्रेसिडेंट होता है जो जिस दिशा में पार्टी को लेना चाहे ले जा सकता है वैसे ही आप इसे याद रख सकते हैं जो स्टेयरिंग था वो प्रेसिडेंट के पास था ठीक है प्रेसिडेंट भी तो होता है मेन ठीक है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्टेयरिंग कमेटी के हेड थे दो सब माइनर कमेटीज आदि है फाइनान्स स्टाफ कमेटीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस कमेटी पट्टा भैया सीतारामैया ठीक है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के एम मुंशी ठीक है उसके बाद ये है यहाँ पे एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग दिस इज राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे इसको ठीक है तो दीज आर सम मेजर कमेटीज एंड माइनर कमेटीज एट वर मेजर कमेटीज एंड अदर वर माइनर कमेटीज मेजर कमेटीज को आप याद रखिए उनके चेयरमैन याद रखिए वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ ऑल द कमेटीज आर ड्राफ्टिंग कमेटी इसके जो हेड थे वो कौन थे चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको काम दिया गया था कि आपको ड्राफ्ट जो है वो तैयार करना है क्या करना है इसको जो काम दिया गया था कि आपको जो है वो ड्राफ्ट तैयार करना है कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है इसके सात मेंबर थे जिसमें बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे गोपाल स्वामी अयंगर थे ये आप याद रखिएगा इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार पूछा जाता है ठीक है अलाड़ी कृष्णा स्वामी अयर थे के एम मुंशी थे सैयद मोहम्मद सद सैदतुल्ला थे सदु सदुतुल्ला कुछ ऐसे ही नाम है आप कर लीजिएगा ठीक है सदुल्लाह थे ठीक है एन माधव राव थे बट इसको रिप्ले इनको रिप्लेस किया था बी एल मित्तर ने किया इसकी हेल्थ खराब हो गई थी इनकी हेल्थ खराब हो गई थी जिसकी वजह से इनको रिप्लेस किया था एन माधव राव ने टी टी कृष्णमाचारी ठीक है डी पी खेतान जी ने इसको इनको वो किया था रिप्लेस किया था जिनकी डेथ हो गई थी ठीक है ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग प्रपोजल ऑफ वेरियस कमेटीज का प्रपोजल लेके वेरियस कमेटीज की जो है रिपोर्ट्स लेके दे पब्लिश देयर फर्स्ट ड्राफ्ट ऑन 1948 एक सौ चौदह दिन के आसपास फाइनल ड्राफ्ट जो था वो क्या होता है ठीक है फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का और अब हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यून असेंबली का क्रिटिसिज्म यह है कि इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मीन्सिट सी वॉज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज इट हैज ए में व नॉट डरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की उनको पता तो है पार्शली इलेक्टेड थी पार्शली नोमिनेटेड थी तो वो बोलते थे कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है नॉट ए सोवरेन बॉडी सोवरेन क्यों नहीं है क्योंकि इट वॉज प्रपोज बाई ब्रिटिश ठीक है इसको प्रपोजल भी ब्रिटिश ने दिया था और सी हैड इट सेशन विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया ठीक है और ब्रिटिश से ही ब्रिटिश की परमिशन से ही सेशन होते थे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड की ये टाइम कंज्यूमिंग थी इतना टाइम लग गया इसको ठीक है Uh, इतना टाइम लग गया इसको बनने के लिए तो एक, एक शख्स थे निज़रुद्दीन अहमद ठीक है निज़रुद्दीन अहमद उन्होंने इसको क्या कहा था इट इज़ नॉट ए ड्राफ्टिंग कमेटी इट इज़ ड्रिफ्टिंग कमेटी ठीक है इट इज ड्रिफ्टिंग कमेटी उन्होंने क्या कहा था नॉट ए ड्राफ्टिंग कमेटी इट इज़ ड्रिफ्टिंग कमेटी ठीक है तो इट वॉज ऑल्सो सैड दिंग इट वॉज डोमिनेटेड बाई कांग्रेस क्रिटिक्स चार्ज दैट सी ए वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी ठीक है सी ए वॉज वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियल वन पार्टी कंट्री ऑल्सो सेट दैट द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज द इंडिया जो असेंबली है वो कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वो क्या है वो इंडिया है ठीक है डोमिनेटेड बाई कांग्रेस लॉयर्स पॉलिटिशियन डोमिनेशन तभी तो ये बल्कि है इतना कि लॉयर्स और पॉलिटिशियन ने इनको डोमिनेट किया है उस असेंबली में लॉयर्स और पॉलिटिशियन ही बैठते थे ठीक है वैसे बैठते तो थे ही ठीक है लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन डोमिनेट तभी तो इतनी बल्कि बुक बनाई है इतने हैवी वर्ड्स लिखे हैं कि जो कि आम इंसान की समझ में नहीं आते हैं डोमिनेटेड बाय हिंदूज क्रिटिक्स मेंटेड बॉडी ठीक है लॉर्ड विस्काउंट साइमेंट कॉल डिटे बॉडी ऑफ हिंदूज ठीक है वेस्टर्न चर्चिल ने क्या बोला था सी ए रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया विच इज हिंदूज एलिफेंट वॉज चूजन एज द और अडोप्टिड एज द ठीक है एलिफेंट वॉज चूजन एज द सिंबल ऑफ सिंबल ऑफ सी एफ सी एजन एज एलिफेंट बी एन रॉय जो थे वो constituent एडवाइजर थे क्या थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बीएन राव. रावट प्रेम बिहारी जो हैं, उन्होंने इसको कैलीग्राफ किया है किसमें इटैलिक स्टाइल में ठीक है इटैलिक स्टाइल में इसको कैलीग्राफ किया किसने प्रेम बिहारी जी ने ठीक है शांति निकेतन जो है उन्होंने इसको ब्यूटिफाइड किया है ब्यूटिफाइड मतलब सजाया है क्या है सजाया है इसने शांति निकेतन जी ने इसको सजाया है हिंदी वर्जन जो लिखा है वो किसने लिखा है वसंत कृष्ण जी ने इसका हिंदी वर्जन जो है वो लिखा है तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने कवर कर ली है वो यहाँ पे खत्म होती है तो थैंक यू Thank you so much. God bless you all. Okay.